बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम अपने किचन में मैंगो डिज़र्ट बनाने जा रहे हैं। 2 कप दूध आपने लिया है एक पैन में, और उसमें 3 टेबलस्पून आपने कॉर्नफ्लोर के डाल देने हैं। व्यूअर्स, बहुत ही ईजी, बहुत ही यमी रेसिपी है ये। 2 टेबलस्पून मैं ड्राई मिल्क के डाल रही हूँ, किसी भी ब्रांड का आपने ड्राई मिल्क ले लेना है जो ऑप्शनल है। इसके बाद इनको अच्छी तरह विस्कर की मदद से आपने मिक्स करना है। फ्लेम ऑन नहीं किया अभी हमने। 1/4 कप आपने इसमें शुगर डालनी है और सब चीज़ों को आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। उसके बाद आपने फ्लेम ऑन कर लेना है। जब भी जैसे ही फ्लेम ऑन होगा आपने विस्कर की मदद से इसको हिलाते जाना है। बॉयल आने तक और थिकनेस आने तक आपने इसको हिलाते जाना है। उसके बाद आपका ये पुडिंग जो है वनीला पुडिंग रेडी हो जाएगी। दूसरी तरफ हमने मैंगो का 2 आम लिए हैं, उसको काट के आपने छोटे छोटे पीसेस में डाल लिया। चॉपर में डाल लें या ग्राइंडर में डाल लें, और उसके बाद आपने इसको ब्लेंड करना है। ये मिल्क पैक की क्रीम है, व्हिपिंग क्रीम, जो मैंने फ्रीज़र में रख दी थी और अच्छी चिल्ड है। इसको भी साथ ही मैंने मैंगोस के साथ डाल लिया है, और इसको अच्छी तरह आपने ब्लेंड कर लेना है। एक स्मूथ सा आपका ये टेक्सचर रेडी हो जाएगा। 2 से 3 मिनट में आपने इसको ब्लेंड कर लेना है। बहुत ही इजी रेसिपी है। अगर आपके पास 2 कप मिल्क और 2 आम हैं तो आपने ये किचन में जाना है और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर बस कोशिश कीजिएगा कि जो आपकी मिल्क पैक क्रीम है, व्हिपिंग क्रीम, वो चिल्ड हो फुल, आपने जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, तो बहुत ही अच्छी आपकी ये अच्छी सी आपकी पुडिंग मैंगो मिक्सचर रेडी होगा। देखिए सारा टेक्सचर जो है वो अच्छी तरह रेडी हो गया है। मैंगो का सीज़न है और इस तरह के मैंगो डिलाइट जो हैं वो आप ट्राई किया करें, डिफरेंट तरीके, और ये विद इन 10 मिनट्स बनने वाली रेसिपी है। देखिए हमारा टेक्सचर रेडी हो गया है विद क्रीम, मैंगो एंड क्रीम। उसके बाद कैंडी बिस्किट्स लिए हैं। इसी तरह आपने डिश आउट डिश लेने हैं, कोई भी स्क्वायर या ओवल लें, और उसके बाद जो आपने इसको बिस्किट्स की लेयर बनाने के बाद जो आपने पुडिंग रेडी की थी उसको उसकी लेयरिंग कर देनी है। देखिए ये लेयरिंग करने के बाद इसको आपने स्पून के साथ स्मूथ कर लेना है। ये देखिए आपकी इसी तरह आपने लेयरिंग करनी है। एक कैंडी बिस्किट्स की लेयर है, दूसरी पुडिंग की लेयर है। उसके बाद इसको आपने अच्छी तरह कोटिंग करने के बाद आपने जो मैंगो और क्रीम का जो टेक्सचर आपने रेडी किया है, उसकी पुडिंग रेडी की है, उसके बाद आपने उसकी लेयरिंग करनी है। ये मेरे पास थोड़ा सी पुडिंग बची हुई थी जिसको आपने वेस्ट नहीं करना, इसी की लेयरिंग में ही यूज़ करना है। दूसरी तरफ मैंने कैंडी बिस्किट्स को क्रश करके उसकी ऊपर गार्निशिंग के लिए रख दी है, और साथ ही मैंगो को आपने छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है, उसके थोड़े छोटे छोटे चंक्स बना लेने हैं। इससे हम उसकी लास्ट में गार्निशिंग करेंगे अपने डिज़र्ट की। अब देखिए जो हमारा जो था, हमने क्रीम और मैंगो को जो मिक्सचर बनाया था, इस लेयरिंग के बाद आपने उसके ऊपर दूसरी सेकेंड लेयर आपने उसकी कोटिंग करनी है। ये भी सिर्फ वनीला पुडिंग की कोटिंग हुई है। 2 कप मिल्क और 3 टेबलस्पून आपके कॉर्नफ्लोर से आपने ये पुडिंग रेडी की है, और 2 टेबलस्पून आपने इसमें ड्राई मिल्क के भी डालें जो ऑप्शनल है, सिर्फ टेस्ट रिच करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ। अब आपने गार्निशिंग के लिए जितना मैंगो आप यूज़ करना चाहते हैं वो कर लें। अगर आप ज़्यादा लाइक करते हैं तो ज़्यादा इसके पास स्प्रिंकल करें। और मैंगो के सीज़न में इस मज़ेदार मैंगो कैंडी डिलाइट्स का आपने इसका लुत्फ उठाना है। ये देखिए ये क्रीम और मैंगो है। और आप ख्याल रखिएगा व्यूवर्स के दोनों जो पुडिंग्स हैं आपकी चिल्ड होनी चाहिए। नीचे जो आपने आपने लेयरिंग की है वो भी आपकी ठंडी होने के बाद आपने लेयरिंग करनी है, और जो ऊपर वाली आपकी मैंगो और क्रीम की लेयरिंग है वो भी चिल्ड है। नहीं जी, हमारी डिश रेडी होने के करीब है।
लास्ट टचेस हैं, अच्छी तरह बर्तन साफ किया करें। अगर मेरी कोई रेसिपी पसंद आया करें व्यूवर्स, तो लाइक किया करें और सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं। और आइंदा नई नई रेसिपीज़, ताकि आपको मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिले, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और इसके बाद हमने स्मूथ करने के बाद मैंगो और कैंडी बिस्किट से गार्निश कर लिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह की शान, कितनी खूबसूरत मैंगो कैंडी डिलाइट रेडी है सर्विंग के लिए। इसको अच्छा आपने 2 से 3 घंटे चिल करना है फ्रीज़र में और फिर सर्व करना है। अगली रेसिपी के लिए तायरा जावेद को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।